नमस्ते। आर्ट एट ईज का 18वां एपिसोड देखते वक्त हम बहावा ट्री किस तरह से पेंट करते हैं ब्लैक कैनवस पे, ये देखेंगे। जैसे वाइट कैनवस होता है उसी तरह से ब्लैक कैनवस होता है। यहाँ पे हम पहले स्केचिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद में बेस कलर्स दे देंगे। पीले रंग के ऑलमोस्ट ऑल शेड्स मेरे पास है और इसके अलावा इंडियन रेड भी मैं इस्तेमाल करूँगी। मेन कलर्स जो है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। कहीं कहीं पे ब्लैक कलर खाली छोड़ दूँगी। ज़्यादातर यहाँ पे मैंने वाइट कलर, टिटेनियम वाइट इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ चंद्रमा और चंद्रमा की रोशनी के लिए और झोपड़ी की दीवारों के लिए मैं इसे इस्तेमाल करूँगी। और बाकी जगहों पे पीले रंग के सारे शेड्स और इंडियन रेड और कहीं पे थोड़ा सा बर्नट अंबर इस्तेमाल करूँगी। तो लिक्विन और बेस शेड देके ये हमारा पेंटिंग ऑलमोस्ट आधे तक आ चुका है। अभी हमें नाइफ़ में सारे स्ट्रोक्स लगाने हैं। पहले पेड़ का निचला हिस्सा, चौड़ा हिस्सा पूरा कर लेते हैं और उसके बाद में पेड़ की डंडियाँ पेंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बर्नट अंबर भी ले लिया है। ज़मीन का हिस्सा दिखाते वक्त उसका खुरदुरापन भी नाइफ़ के स्ट्रोक्स में दिखाई देना चाहिए, जैसे सूखे पत्ते हो या छोटे पत्थर हो। इस तरह से यहाँ पे मैंने इफ़ेक्ट दे दिया है। बहावा ट्री के फूल पेंट करते वक्त हमें कैडमियम येलो डीप और क्रोम लेमन ह्यू के साथ में येलो ऑकर भी लेना होगा थोड़ा सा, लेकिन ये अंधेरे में दिखाई दे रहा है इसलिए इसमें बर्नट अंबर भी यूज़ करना होगा और जहाँ पे चंद्रमा की रोशनी उस पर गिरेगी वहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्राइट बताना होगा। फिर भी डेलाइट में जिस तरह से ये एकदम फ्लोरोसेंट लगता है उस तरह के इसके फूल नहीं दिखाई देंगे, इसलिए इनको थोड़ा डल शेड्स में पेंट करना ही ठीक रहेगा। तो यहाँ पे ये फूल भी हमारे पूरे होने को आए हैं। जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा की रोशनी और चंद्रमा के लिए मैंने थोड़ा सा टिटेनियम वाइट ले लिया है, बाकी कहीं पे नहीं लिया है। और सूखे और ज़मीन पे गिरे हुए फूल भी मैंने दिखा दिए हैं। और इस तरह से ये पेंटिंग हमारा पूरा हो गया है। तो चंद्रमा की रोशनी में बहावा ट्री किस तरह से दिखाई देता है ये मैंने यहाँ पे पेंट करने का प्रयास किया है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली बार और एक नया पेंटिंग लेके। थैंक यू।